गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुन्नी व्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आया हूं, एक हिंदू फैमिली की सगाई हो रही है आज, तो हमारे साथ मिल के रहिएगा। तो हम आपको दिखाने वाले हैं हिंदू फैमिली की सगाई किस तरह होती है और किस तरह मनाई जाती है, क्या उनका रस्म रिवाज है और क्या कुछ उनका रहन सहन का और खाने पीने का, खाने पकाने का क्या कुछ तरीका कार है। ये देख सकते हैं जहाँ मैं आया हूँ, उनके घर का आसपास का सराउंडिंग एरिया देखिएगा, हमारे साथ मिल के रहिएगा। ये देखें बच्चा लोग। तो भैया आपका नाम क्या है? कामरान भाई। तो भैया आपका नाम क्या है? विष्णु राम या भाई? विष्णु राम। तो आपका नाम क्या है भाई? प्रकाश। तो आपका नाम क्या है भाई? विजय। तो आपका नाम? विक्रम। तो ये थे हमारे भाई, जहाँ पर सगाई हो रही है वहाँ पे आए हैं। तो ये बच्चा लोग हमसे मिले हैं और हमने आपका आपसे तर्फ भी करवाया है क्या कुछ। ये देखें यहाँ झूले भी हैं, ये देखें बच्चे सभी खेलने गए हैं, क्या बात है यार। ये देखें एक झूला वहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो बहुत ही खूबसूरत एरिया है। हमारे साथ मिल के रहिएगा। हाँ तो हम अब जाने वाले हैं सगाई वालों के घर, तो हमारे साथ मिल के रहिएगा। तो हम आपको दिखाते हैं जहाँ जो गाड़ी है जिस पे हम जाएंगे, लड़की वालों के घर जाएंगे, तो हम आपको दिखाते हैं। तो बस बड़ी बस है, 72 सीटी। तो ये है बस। तो ये देखिए स्टीयरिंग में ये मजदा, इस पे हम जाएंगे, ये बस है। तो गाइस फाइनली हम पहुंचने वाले हैं घर। देखें आवाम जो जा रही है बस पर। ये है बींद राजा जो जिनकी सिखाई है। बस ये भैया हैं कजन हमारे। तो ये है बस, काफ़ी ज़्यादा फुल हो गई है और हमको पता नहीं जगह मिलती भी है या नहीं, देखते हैं और अंदर चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम अब यहाँ से चल पड़े हैं। जय हो। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं लड़की वालों के घर। तो ये कुछ इंतज़ाम वगैरह करके रखा है, तंबू लगाए हुए हैं और काफ़ी जगह खुली भी है और तंबू के नीचे जो हैं चारपाई डाली हुई है। इसके बाद हम जाएंगे लड़की वालों के घर, जो कुछ रस्म रवाज होता है वो रस्म रवाज पूरा करेंगे। और ये है लड़की वालों का घर, देख सकते हैं ये है। तो हम आ गए हैं अब लड़की वालों के घर। ये कुछ सामग्री वगैरह भी लेकर आए हैं, तवे के ऊपर अग्नि जलाई हुई है। तो बुज़ुर्ग आएंगे, फिर इस पे घी वगैरह डालेंगे। घी वगैरह डालने के बाद कुछ रस्म रिवाज पूरा करेंगे। तो ये हैं दूल्हा जी के दादाजी जो अभी घी डाल रहे हैं, और भी मेहमान अभी आ रहे हैं। तो कुछ चावल लेंगे, चावल के अंदर ज़्यादा डालेंगे और फिर उसमें डालेंगे गरी थोड़ी सी काट कर। तो फिर उसके अंदर थोड़े से पैसे रख देंगे, फिर लेंगे थोड़ा सा कपड़ा, उसके करेंगे दो टुकड़े। दो टुकड़े करने के बाद फिर इसको पानी में भिगोकर थोड़ा सा गीला करके चावल के अंदर पानी थोड़ा सा डालेंगे, फिर इसको
रंगीन करेंगे, एक होगा लड़की की तरफ से और एक होगा लड़के की तरफ से, तो उसको रंगीन करेंगे। ये रंगीन करने के बाद कुछ सामग्री देंगे लड़की वालों को। अभी दो बर्तन आ गए हैं, ये भी फुल करेंगे और तीसरा भी बर्तन देंगे तो उसको भी फुल करेंगे। तो ये आ गया तीसरा बर्तन, तो इसको भी भरेंगे। इसमें कुछ पतासे और छुहारे वगैरह डालेंगे, टॉफियाँ वगैरह भी डालेंगे। तो ये देखें छुहारे, ये टॉफियों का डब्बा, ये भी इसी में डालेंगे। इसको डालने के बाद जो कुछ और होगा वो भी डालेंगे, वरना ये दे देंगे। तो अब आ गए हैं अग्नि की तरफ। तो कुछ बुज़ुर्ग लेंगे किसी से पैसे, तो कुछ या शॉपर में या कपड़े में डालकर उसे चावल वाली थाली में रखेंगे। थाली में रखने के बाद सभी को बुलाया जाएगा, सात आदमी होंगे। सात आदमी एक प्लेट को लेकर अग्नि के ऊपर सात फेरे लगाएंगे। मुस्लिम भैया तो रिंग पहनाते हैं, लेकिन ये रिंग नहीं पहनाते, ये चावल होते हैं। चावल को पीला रंग करते हैं, जर्दा रंग करते हैं। जर्दा रंग करने के बाद दो कपड़े के टुकड़े लिए जाते हैं, उसमें बांध कर एक लड़के वाले को दिया जाता है और एक लड़की वाले को दिया जाता है, ताकि वो घर जाकर इनविटेशन दाद दे सकें कि फलां तारीख को शादी और वलीमा होगा। तो ये बुज़ुर्ग हैं जो अपने ऊपर से पानी फेंक रहे हैं, ये भी इनका रस्म रिवाज होता है। उसके बाद जो लड़की वालों को ये सामग्री दी जाएगी, जो छुहारे वगैरह हैं, टॉफी वगैरह हैं, तो ये इसमें कुछ पैसे वगैरह रखे जाते हैं। पैसे वगैरह रख के तो फिर इसको दे दिया जाता है लड़की वालों को। तो लड़की वाले घर ले जाते हैं। ये देखें, और उसके बाद जो कुछ बचता है वो दूसरे जो बैठे होते हैं बुज़ुर्ग मेहमान बैठे होते हैं उन्हें तकसीम किया जाता है। तो ये तकसीम कर रहे हैं कुछ गरीब और पतासे और जो कुछ में और है मिश्री वगैरह, तो इसको तकसीम करेंगे मेहमानों में। ये देखें, और ये हैं चावल, नमकीन, और ये हैं मीठे चावल, गरी वगैरह डाली हुई है, और ये भी है, ये भी नमकीन है। तो क्या बात है, क्या बात है, ये देखे बच्चा लोग अभी जो दे रहा है उससे छीन 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 कर ले जा रहे हैं। ये सुहारा है, मैं खा लूं, बैठ लो। तो अब हम आ गए हैं तंबू के नीचे, जहाँ पे हमारा इंतजाम किया बैठने का। तो वहाँ पे कुछ सलाद वगैरह लेकर आए हैं, प्रसाद वगैरह लेकर आते हैं लाए हैं, जो कि मेहमानों को खिलाया जाएगा। मेहमान को खिलाने के बाद ये हैं परमेश वर्मा, साजन भाई और अजमल भाई, दिलदार जी, आशम राम। तो ये कुछ जो प्रसाद लेकर आए हैं ये तकसीम करेंगे, ये अभी डाल रहे हैं थालियों के अंदर, बर्तन के अंदर डालेंगे। ये हैं मीठे चावल, और इसके साथ ही जो वो पड़े हैं वो है नमकीन चावल। तो ये देंगे, तकसीम करेंगे। तो इन भाइयों को दे दी पहले, ये अभी चावल खा रहे हैं।
सभी मेहमानों को दे दिए। ये बुजुर्ग खा रहे हैं। मुझे लगता है सभी को दे दिए, मैं ही रह गया हूँ, मुझको भी मिल जाएंगे, मुझको भी मेरे नसीब का मिलेगा ज़रूर। तो ये देख सकते हैं इन भाई के पास प्याज है, ये प्याज डाल के खा रहे हैं, और इसके पास नींबू भी है, और इसके पास जो है ये नीमको भी है, नीमको है या पता नहीं, चूरन, ये चूरन है, तो चूरन डाल रहे हैं। इसके पास नींबू भी और प्याज भी है। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। तो कुछ लोग अभी नीचे उतर रहे हैं और कुछ उतर गए हैं, तो अब हम जाएंगे घर की तरफ। तो क्या कुछ इंतज़ाम करके रखा है ये देखेंगे हम। ये देखें, ये गोशत है, शरबत वाला।